थाना डोकी पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए हुए 17 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख बताई जा रही है। कल थाना डोकी पुलिस द्वारा दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, केशव और प्रीतम। केशव पर पहले भी चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उनमें जेल गया है। प्रीतम का पूर्व आपराधिक इतिहास कुछ नहीं रहा है। ये मुख्यतः ट्रेन में भीड़भाड़ वाली जगहों पर चोरी करते रहे हैं। इनका एक साथी है पकड़ू, इस पर भी चोरी के कई मुकदमे पंजीकृत हैं, हालांकि ये अभी तक फरार है और इसके लिए दबिश दी जा रही है। जल्दी इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मुकदमे में इनसे जो बरामदगी हुई है वो 17 मोबाइल बरामद हुए हैं और 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं। सर, ये चोरी करते थे, इसके बाद में मोबाइलों को कहाँ खपत किया करते थे, कहाँ बेचा करते थे, क्या उनको भी चिन्हित किया गया? वो चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी उनके बारे में जानकारी की जा रही है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किनको बेचते थे। कब से ये लोग कर रहे हैं और कितनी बार जेल जा चुके हैं? जेल जैसे केशव का बताया है, केशव कई बार जेल जा चुका है। बराबर मोबाइलों में लगभग अनुमानित कीमत क्या होगी? जैसे एंड्रॉयड मोबाइल महंगे आते हैं तो लगभग ये मानकर चलें कि 5 से 6 लाख इनकी अनुमानित कीमत तो होगी, और जो कीपैड मोबाइल है उनकी लगभग 60 से 70 हज़ार। फरार के संबंध में तो अभी जानकारी नहीं है कि कब से वो फरार चल रहा है। इनसे जो पूछताछ इस मुकदमे में तो अभी ये फरार चल रहा है, और अगर पूर्व के जो मुकदमे हैं, जो 19 मुकदमों की हमें जानकारी हुई है CCTNS के जरिए, उनमें जानकारी की जा रही है कि क्या उनमें भी फरार चल रहा है किसी में। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।